नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देखिए, आज सुबह से ही लगातार हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी हुई थी कि जदयू का उम्मीदवार कौन होता है, यानी जदयू की तरफ से राज्यसभा किसे भेजा जाता है। दरअसल आपको तो पता ही है कि बिहार से 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए RJD ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। वहीं अब BJP और जदयू को अपने सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी जदयू की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि RCP सिंह लगातार ये विश्वास जता रहे थे या फिर उनको ये उम्मीद थी कि उनको राज्यसभा जदयू फिर से भेजेगी, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। वहीं बता दें कि आज बैठक की जा रही है जदयू की तरफ से, और लगातार पार्टी के कई बड़े नेता हैं वो जदयू कार्यालय पहुँच रहे हैं। क्या RCP सिंह को फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा, इस बात पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक RCP सिंह को राज्यसभा भेजे जाने पर कोई भी बयान नहीं दिया। उनसे कई बार पूछा भी गया तो वो बातों को टालते हुए नजर आए। क्या RCP सिंह को एक बार फिर से मौका मिलेगा राज्यसभा जाने के लिए, इस बात पर हर किसी की नज़र टिकी हुई। हालांकि RCP सिंह के कई समर्थक ऐसे हैं जिनकी मांग रही है कि RCP सिंह को वापस राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वहीं कई लोगों की राय ये भी थी कि RCP की जगह किसी और को जदयू भेज सकती है। ये देखने वाली बात होती है कि आज क्या फैसला निकल करके सामने आता है। वहीं जो चर्चाएं तेज़ हो रही हैं, कई तरह की बातें जो निकल करके इस वक्त सामने आ रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार RCP सिंह की जगह अपने किसी पुराने साथी को ही राज्यसभा भेजेंगे। हालांकि नामों की घोषणा अभी होनी है, थोड़ी ही देर में जदयू के नामों की घोषणा हो जाएगी। शायद ये भी हो सकता है कि BJP पहले अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करे, उसके बाद ही जदयू ये बताएगी कि जदयू की तरफ से एक सीट पर कौन राज्यसभा जाएगा। ये फैसला आज और कल तक में हो जाना है। ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि ये फैसला आज ही हो जाएगा, क्योंकि 31 मई जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के लिए आखिरी तिथि है, यानी 31 मई से पहले ही जदयू की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देनी है। अभी जो बैठक चल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं दफ्तर में, और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद है, और इसके साथ ही कई बड़े नेता हैं जो इस वक्त पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में क्या घोषणा होती है, क्या नाम निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी उम्मीद जो RCP सिंह को पहले से थी कि नीतीश कुमार, क्योंकि वो नीतीश कुमार के पुराने साथी रह चुके हैं, तो ऐसे में RCP सिंह को कहीं ना कहीं ये उम्मीद फिर से थी कि नीतीश कुमार उन पर दोबारा से भरोसा करेंगे और उन्हें राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन फिलहाल जदयू की तरफ से क्या नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहिए, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। हमारे यहाँ देर होता है, हमारे यहाँ तो करिश्माई नेतृत्व है तो करिश्माई फैसला होता है। कुछ और नाम भी चल रहा है क्या, इसलिए देरी हो रही है क्या? जिनको भी जो भी जानकारी दे रहे हैं कि हमको जानकारी है, वो राजनीति के चंडूखाना में घूम रहे हैं। अच्छा, करिश्माई फैसला होने वाला है? आप देखिए ना, अनिल हेगड़े जी का फैसला कैसा फैसला था। अनिल हेगड़े जी कर्नाटक के रहने वाले हैं, न वोट की चिंता हम करते हैं, न इन चीज़ों की चिंता करते हैं। अब कल्पना करिए ना, कल्पना करिए आज के दौर में जब धन बल की राजनीति चल रहा हो, ऐसे दौर में अनिल हेगड़े जैसा एक समाजवादी पृष्ठभूमि का एक साधारण कार्यकर्ता, जिसके बिहार में की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ने वाला हो, वो तो ऐसा ही कुछ करिश्माई फैसला होने वाला है क्या? अब जो भी होगा बहुत शानदार होगा, जानदार होगा, दमदार होगा। ठीक ठीक। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।